देख रहे हैं गणेश जी और शनिदेव। आप देख सकते हैं ये हमारे पूज्य गणेश जी हैं और शनिदेव जी हैं। आज भृगु संहिता में सूत्र नंबर जो हम 4 की बात करेंगे, वहां पर आज मैंने ये शनिदेव और गणेश जी क्यों लिया है। यहां पर एक स्टोरी है, उस स्टोरी को आप याद रखिए, ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। स्टोरी को याद रखिए, सूत्र आपको याद हो जाएगा। आप कभी भी गणेश अगर आप कहेंगे, शनि चालीसा, शनि अमृतवाणी कहीं भी सुनना चाहेंगे तो आप देखेंगे हर ग्रंथ में गणेश जी की व्याख्या हुई है। तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, आज इस सूत्र के द्वारा पता लग जाएगा और आपको भृगु संहिता के इस रूल का भी पता लग जाएगा। रूल चौथा क्या है? रूल चौथा यह है कि आप पहले स्टोरी सुन लीजिए। स्टोरी कुछ नहीं है, आप सभी को पता है गणेश जी जो हैं माता पार्वती के संतान हैं। जब गणेश जी हुए तो माता पार्वती ने सभी देवताओं को आग्रह किया कि उनकी संतान को आशीर्वाद दें। सभी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन शनि देव ने कहा कि मैं माता आशीर्वाद नहीं दे सकता, अगर मैं आशीर्वाद दूंगा तो मेरी दृष्टि जो है, मेरा प्रभाव जो है, कहीं ना कहीं गणेश जी पर पड़ेगा। तो माता ने कहा, शनिदेव आप किसी भी बात की चिंता ना कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। उस वक्त गणेश जी जो थे वो शनिदेव के पास ही खड़े थे, तो मतलब शनि से दूसरे स्थान पर गणेश जी खड़े थे। और आपको पता है दृष्टि की वजह से, जिनको नहीं पता है और जिनको पता है, दृष्टि की वजह से कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव गणेश जी पे पड़ा और उनका जो गणेश, जो हाथी का मुकुट, जो हाथी का जो उनको धर दिया गया, वो बाद में उसका ही समाधान था। तो ये सिंपल तरीका, आपको सिंपल स्टोरी आपको पता लग गई और आपको ये पता लग गया शनि से जो दूसरा घर होगा उसका कहीं ना कहीं अप्स डाउन्स स्पॉइल डिस्ट्रॉय एक्टिवेशन होगा ही होगा। सूत्र नंबर 4 क्या कहता है? शनिदेव जहां बैठते हैं वहां से दूसरे घर का अप्स एंड डाउन्स, मतलब सिंहासन जो है वो हिला देते हैं। ऐसा भृगु ऋषि ने अपने पुत्र शुक्राचार्य को भृगु संहिता जब लिख रहे थे बताया। तो आपको रूल पता लग गया, आपको स्टोरी पता लग गई। अब हम कुंडली लेते हैं, आपकी किसी भी प्रकार की स्टोरी हो, किसी प्रकार की भी कुंडली हो, आप अपने इस सूत्र को अप्लाइए और रूल नंबर 4 में सीधे सीधे आपको याद कर लेना है, अपने नोट्स में लिख लीजिए गणेश जी की स्टोरी, तो आपको ये रूल कभी नहीं भूलेगा और आपको ये याद हो जाएगा। चलिए, आपको पता है शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, 3, 7 और 10, और अब तक आप चौथा रूल पढ़ रहे हैं और चौथे रूल में क्या पाया, शनिदेव दूसरे सिंहासन को हिला सकते हैं, शनिदेव अपने घर से चौथे सिंहासन को हिला सकते हैं, शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के इन लॉ होते हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो भृगु संहिता की प्लेलिस्ट हमारी ज्योतिष ग्रह एस्ट्रोलॉजी में से देख सकते हैं, याद हो गया होगा। चलिए, अगर मान लीजिए शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हुए हो, कोई भी नंबर बैठा हो, तो शनिदेव से दूसरा स्थान क्या हुआ? शनिदेव से दूसरा स्थान जो हुआ वो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये दूसरा स्थान आया, जो कि आपकी पैसे का होता है, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली का होता है, कहीं ना कहीं आपकी वाणी का होता है। तो शनिदेव इन तीनों चीज में, इन तीनों चीज और दूसरे भाव से जो जो शरीर से संबंधित चीजें हैं उन सभी को प्रभावित करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें कमी लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव लाएंगे, कहीं ना कहीं उसमें आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये कब होगा? जब शनिदेव की दशा चल रही हो या एज आपकी चल रही हो वो जिसमें शनिदेव एक्टिवेट हुए हों। तो शनिदेव किस एज में एक्टिवेट होते हैं वो हम आगे की वीडियो में भृगु संहिता के हिसाब से देखेंगे। भृगु संहिता के हिसाब से हम देखेंगे कि एज वाइज हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सा भाव किस एज में एक्टिवेशन होता है। सिंपल आप यही याद रखिए, जब आप पैदा होते हैं तो कुंडली का पहला भाव एक्टिवेट होता है, जब आप 2 साल के होते हैं तो दूसरा, 3 साल के तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 12 हो गए, उसके बाद फिर से ये साइकिल चलती है 13th, 14th। तो वो घर जो जिसमें, जिस आपकी कुंडली में जहां शनि बैठे हुए हैं और जो जो वो एज आएगी काउंट करने पे, उस वक्त उस एज में आपको ध्यान रखना है। सो सिंपल इजी है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए शनिदेव आपकी कुंडली के 6th भाव में बैठे हुए हों। 6th भाव क्या होता है? कोर्ट कचहरी का होता है, पुलिस का होता है, मुकदमे का होता है, आपकी हॉबीज का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो शनिदेव से दूसरा घर कौन सा हुआ?
दूसरा घर जो हुआ शनिदेव से, वो कहीं ना कहीं आपका सप्तम भाव हुआ, और कहीं ना कहीं अगर आप मैरिज की एज चल रहे हैं और शनिदेव उस एज में आ रहे हैं जैसा मैंने बताया, तो आपकी शादी चाहे उस वक्त दशा अंतरदशा क्यों ना चल रही हो, कहीं ना कहीं मैरिज की बात होते होते रुक सकती है। रिश्ता पक्का होने के बाद टूट सकता है। सारी बातें चीजें हो गई हो लेकिन एक छोटी सी नोक झोंक पर ही शादी करने के लिए नर पक्ष या फिर नारी पक्ष मना कर दें, ऐसी स्थिति शनिदेव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली सभी भावों का बताना संभव नहीं है, आप स्वयं निकाल सकते हैं। तो शनिदेव जहां बैठे हैं उसे दूसरे वाले भाव में याद रखिए, दूसरे वाले भाव को क्या करते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं, एक चीज ये याद रखिए, उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी एबिलिटी रखते हैं। तीसरा, वहां पे उस घर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने की पूरी शक्ति रखते हैं। अगर आपने अपने कर्मों में किसी प्रकार की शॉर्टकट नहीं किया है, जो भी कार्य आपको मिला है शिद्दत के साथ निष्ठा के साथ किया है, खासकर उस वाले भाव में जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं, तो कतई वो दूसरे भाव में आपको रिलैक्सेशन अवश्य ही देंगे। उपाय क्या करना है, उपाय आपके सामने है, गणेश जी, जी हाँ, गणेश जी की चालीसा कीजिए, गणेश वंदना कीजिए या फिर माता पार्वती की पूजा कीजिए। तो गणेश वंदना माता पार्वती की वंदना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर जो दृष्टियां हैं, दृष्टियों के अलावा जो जो वो भृगु संहिता के हिसाब से जिस जिस एज में वो एक्टिवेशन होती है उसको भी वो काबू करते हैं और आपका नेगेटिव इफेक्ट साइड इफेक्ट पूरा नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं बहुत हद तक साइड इफेक्ट का प्रभाव कम हो जाता है। तो आज सिर्फ इतना ही, आशा करता हूं वीडियो समझ में आ गई होगी। जाते जाते आप हमसे कोरा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम सभी जगह पे ज्वाइन कर लीजिए, मौका मिलता है आपके जवाब दिए जाते हैं फ्री क्वेश्चंस का। साथ ही साथ आप किसी प्रकार की आवश्यकता कंसल्टेंसी की लगती है, हमारी ऐप को, वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भेज सकते हैं और सारी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पेशेंस बनाए, सब कमेंट्स ना कीजिए और हमारी पॉलिसी को रखिए, सब कमेंट्स करेंगे तो चाहे आप जितने भी पुराने हमारे फॉलोअर्स क्यों ना हो, 60 डेज का लॉकडाउन आपको भी सहना करना पड़ सकता है। तो आज बस इतना ही, नमस्कार, जय माता दी।